जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। गोल्ड की फोरकास्ट करेंगे, 1 महीने बाद आ रहे हैं इंशाल्लाह, ऐसे फोरकास्ट करेंगे कि भाई 100% प्रॉफिट ही होगा। हमारी कोशिश तो यही है कि आपको अच्छे अच्छे बेनिफिट दें। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये MFX कॉल पर, जो कि $300 में ये सेल आउट हो रहा है, ठीक है। और आप भी देख रहे होंगे कि किस तरह से लोग इसको सेल कर रहे हैं $300 में, और 1 रुपया भी 300 से कम नहीं कर रहे। ये आप चेक करो, ठीक है। ये है भाई MFX कॉल पर, जो कि आपको प्रॉफर्म के अकाउंट क्लियर करने में हेल्पफुल हो सकता है, या फिर आप अपने मैनुअल ट्रेड करते हैं तो मैनुअल आपको प्रॉफिट दे सकता है। जो इसका बेस्ट तरीका है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको ट्रेड किस तरह से करना है, ठीक है। तो इसके लिए ये है कि भैया आपको ये किस तरह से मिलेगा, गोल्ड की फोरकास्ट भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं हवाला इसका दे दूं। ये नहीं है कि ये आपको सिर्फ टीपी देता है, इसके असल भी हिट होते हैं, लोग आपको हकीकत नहीं बताते। इधर अगर बाय का आया, ये तो टीपी और असल 1:1 का होना चाहिए, ठीक है ना। फिर ये बेनिफिट है, बेनिफिशियल है आपके लिए, मुफीद है आपके लिए। लेकिन अगर 1:2 भी करो तो भी चल सकता है, तो कोशिश करो पहले 1:1 लेके साइड पे हो जाओ। अब इसमें देखो ये बाय का सिंबल है, इस बाय से नीचे एसएल रखा हमने, एंट्री ली हमने नेक्स्ट कैंडल से, क्योंकि बाय तब करना है जब कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है। M5 का टाइम फ्रेम वो इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो स्कैल्पिंग करें, डेली के 2 से 3 ट्रेड लें, साइड पे हो जाएं, तो आपका प्रॉफर्म का अकाउंट हो वो भी क्लियर हो सकता है। आप मैनुअल ट्रेड कर रहे हो, मतलब रियल अकाउंट ट्रेड कर रहे हो, तो वो भी 20 से 30 पिप लेके साइड पे हो सकते हो, ठीक है। तो ये आप चेक करो, यहाँ पे सेल आया, या इसको देख ले या इसको देख ले, दोनों सेल का बता रहे हैं। हमने इस एरिया से एंट्री ली, मार्केट 1:1 दे गई है, 1:2 दे गई है, 1:3, ठीक है। उसके बाद 1:4 मार्केट आपको दे चुकी है। तो इसी तरह से ये 1:1, 1:2 आपको इस जगह पे मिल गया है। लेकिन मैं तो मेरा मशवरा यही है कि 1:1 लेके या 1:2 लेके साइड पे हो जाओ, स्कैल्पिंग करो। इसलिए इसका नाम MFX स्कैल्पर का नाम इनको दिया गया, लेकिन मैंने इनका नेम चेंज कराया है WMFX स्कैल्पर। ये मैंने अपनी अकेडमी का नाम रखवाया, क्योंकि मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ उन लोगों को जो मुझसे फिक्सीफाई का अकाउंट परचेज कर रहे हैं, या जो मैनुअल मेरे अंडर, मेरे IB के अंडर काम करना चाहते हैं, तो ये स्कैल्पर उनके लिए है, ठीक है ना। और ये आप चेक कर सकते हो, अगर आपको एंट्री मिली इस कैंडल पे तो आपने नेक्स्ट कैंडल से एंट्री ली, और मार्केट आपको ये 1:1 या 1.5 दे चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह से इसके SL भी हिट हुए हैं। SL कहाँ पे, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए बाय, यहाँ से बाय आया, आपने ट्रेड इस जगह से ली, 71 से 26, 71 मार्केट गई, 26-73 तक 20 पिप सिर्फ आए, लेकिन आपका ये था माइंड कि 1:1 या 1:2 देगा, तो मार्केट नीचे आपका SL हिट कर गई है। ऐसा नहीं है कि 10 प्रॉफिट है, SL भी हैं, लेकिन SL भी देखो कोई ज़्यादा SL नहीं है, ये आपका SL 10 पिप का SL है। M5 का टाइम फ्रेम है, जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना छोटा SL बनता है। 1:1, 1:2 आपके सामने हिट हो रहे हैं, और जहाँ पे SL होंगे, देखो यहाँ पे सेल हुआ तो मार्केट आपको तकरीबन सेल आपको 61 से देखने को मिला, और मार्केट आई 57 तक 40 पिप्स आपको दे गई 1:2। ये सेल है, यहाँ पे एक SL आपको हिट हुआ, और ये सेल है मार्केट, अगर यहाँ से 69 से सेल दे रही है और मार्केट आई 67 तक 20 पिप, लेकिन आपका माइंड ये था कि 40 पिप्स, यानी कि 2 SL आपके यहाँ पे होंगे, ठीक है। और ये सेल है तो मार्केट इस लेवल तक आई है, ये पाए है तो मार्केट उधर गई है, ये पाए है तकरीबन 55 से तो मार्केट गई है 59 तक 40 पिप्स दे गई है, ये सेल आया तो मार्केट 61 से मार्केट नीचे आई है 56 तक, यानी कि आपको 50 पिप्स मिले हैं इस जगह पे। ये है हमारे पास MFX कॉल पर, ठीक है। तो ये उस बंदे को मिलेगा, उस भाई को मिलेगा जो मेरे IP के अंदर आएगा। अब देखिए ट्रेंड बाय है, तो ऊपर बाय ट्रेंड में जितने भी सेल के आपको मौके मिल रहे हैं, आप बेशक सेल ना लो, मैं आपको सिखा दूंगा कि ट्रेंड में ट्रेड किस तरह से लेते हैं, और रिवर्सल ट्रेड आपने किस तरह से लेनी है, ठीक है ना। 2 इंडिकेटर है जो कि ये इन्वर्सल, ये हेल्प करते हैं। देखिए सेल, ये सेल ऊपर आ गया, ये कंफर्मेशन मिल गई, हमने एंट्री ले ली मार्केट डाउन। ये बाय, ये दूसरा बाय, कंफर्मेशन मार्केट ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हम कंफर्मेशन लेते हैं। अब ट्रेंड बाय है तो बेशक आप ये सेल ना लो, लेकिन ये जो रिवर्सल इंडिकेटर है आपको बता देगा हाँ भाई मैंने अब बाय लेना है, ठीक है। तो आप बाय लोगे तो मार्केट किस तरह से जा रही है। अब ट्रेंड है
तो ये आपने बायोस को फॉलो करना है। लेकिन रिवर्सल में काफी बंदे पैनिक हो जाते हैं कि ये बायो सेल बिल्कुल इकट्ठे आ गए, तो बेशक रिवर्सल ना लो। इस तरह से MT4 का भी मैंने सिस्टम बनाया है, MT4 का भी आप इस तरह से सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, वो मैं आपको विजिट कराऊंगा और मैं भी करा ही देता हूँ, अभी करा देता हूँ, खैर कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, अभी यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ओपन करता हूँ M5 का। ये आप चेक करो, ये सॉफ्टवेयर है, मैं इसको अपडेट टेम्पलेट लगा देता हूँ FX स्काल पर। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑटो लग जाएंगी, आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीछे आप जाओगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स खुद ब खुद लगते आएंगे, ये चेक करें, आपको कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट ये देखना है, ये सपोर्ट के ऊपर ठहरी है लाइन, सपोर्ट के ऊपर एरो है, ठीक है ना, और हमने यहाँ से एंट्री लेनी है। और ये एक ये लाइन है और ये मिड में, ये बॉटम पे है। मिड वाली जो लाइन है इसके ऊपर कैंडल रहे, इसका मतलब ट्रेंड बाय है, आपने बाय वाली ट्रेड फाइंड कर दी है। ऊपर सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर मार्केट ठहरी है, इस लाइन के ऊपर कैंडल क्लोजिंग देती है। इस एरो को देखने के बाद तो फिर आप बाय लोगे, ऐसा लाइन के नीचे रखोगे तो मार्केट किस तरह से जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से अब देखें, दो एरो हैं लेकिन मार्केट फैलने की ऊपर गई, तो किस तरह से आपने फॉलो करना है रूल्स को और मार्केट जो है वो ड्रॉप देगी, ठीक है ना। ये तमाम चीजें मैं सिखाऊंगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा, सिंपल ये बता देता हूँ। जो एरो आएगा उस कैंडल को हम क्लोज करेंगे, क्लोजिंग पे देखेंगे, या तो सपोर्ट पे क्लोजिंग हो या फिर जो क्लोज कैंडल हो रही है प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर गई हो तो फिर हम सेल लेंगे। अब देखिए, ये एरो आया लेकिन ये प्रीवियस कैंडल का लो है, ये आप चेक कर सकते हो। मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, जैसे ही क्लोजिंग देती तो हम सेल लेते। इसी तरह से ये अगर सेल आया है, ठीक है ना, ये बहुत टेक्निकल बना है। अभी ये देखो, जहाँ से ये एरो आया, ये गोल्डन ब्लू से मार्केट ड्रॉप दे गई है, ठीक है ना। ये सिस्टम है MT4 का और ये बैंड है, ये मिड बैंड है और ये अपर बैंड है। और इस देखें, ये नीचे सपोर्ट है और बॉटम वाले बैंड से मार्केट ने आपको एरो दिया, रिजेक्शन भी है। और जैसे ही एरो क्लोजिंग के बाद आपने ये देखा कि भाई प्रीवियस कैंडल के लो को, क्योंकि बाय करना है, हमने बाय करना है तो हमने हाई को देखना है, क्या हाई ब्रेक हो चुका है। हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक होने दें। जैसे ही एरो आया, दो तीन कैंडल ने मिल के हाई को ब्रेक किया तो फिर आप सपोर्ट से एंट्री ले सकते हो, रिटेस्ट भी हो चुका है और फिर मार्केट देख के आपके सामने बाय है। अब देखें, ये एरो आया, ठीक है ना, ऊपर से रेजिस्टेंस लेवल है। ये एरो आया इस कैंडल के ऊपर लेकिन इसने लो को ब्रेक नहीं किया। फिर एरो आया इस कैंडल के ऊपर, अभी तक लो को ब्रेक नहीं किया, तो आपने क्या करना है उसको ऐसे कवर कर लेना। जैसे एरो आया, जिस कैंडल ने इस लो को ब्रेक किया उसके बाद आप सेल ले सकते हो। ऐसा लिंक के ऊपर मार्केट देखें कितना गिर रही है। अब देखें, ये एरो आया, इससे पीछे वाले कैंडल ये है, इसका हमने हाई देखना है। हाई को मार्केट ने ब्रेक करेगी मार्केट, तो फिर हम बाय लेंगे। देखिए, मार्केट ने इस जगह पे ब्रेकआउट दिया है तो फिर हम बाय लेंगे। मार्केट तकरीबन आपको कितने पिप्स दे रही है, ये 2664 से लेके 2670 तक मार्केट, ये 60 पिप्स मार्केट आपको दे रही है। ये स्कैल्पिंग है। अब लोअर बैंड पे आप देख सकते हो सपोर्ट भी है, जिसने भी क्लोजिंग दी उससे प्रीवियस कैंडल का हाई आप मार्क कर लो कि ये ब्रेक होगा तो मैं एंट्री लूंगा। तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, आप इस रिजेक्शन वाले कैंडल से एंट्री लो, वैसे ही मिड बैंड्स के ऊपर प्राइस आ गई है तो अप ट्रेंड अप ही है, तो मार्केट आपका ही है। ये ड्रॉप अगर मार्केट ने दिया तो ये लो मारने के लिए, उसके बाद आप देखो मार्केट ऊपर गई। अब ये जो ड्रॉप है, SMC वाले क्या करेंगे, मैं भी SMC ट्रेडर हूँ लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी बनाता हूँ ये आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ कि आपके लिए कुछ आसानी हो ट्रेड करने के लिए। ये एक छोटा सा FBG पॉइंट है, FBG के बिल्कुल करीब से मार्केट होके ऊपर निकल गई है। अगर मैं यहाँ पे फिबो का टूल लगाऊं, वैसे मुझे इंडिकेटर का शौक नहीं है लेकिन ये आपके लिए आसानी हो तो इसलिए बना रहा हूँ। ये 50-60 का जोन है, उस 50-60 के जोन से मार्केट उठी है, ठीक है। सब चीज़ें मांगते हैं एविडेंस, वो चाहे इंडिकेटर हो या कोई टेक्निकल कोर्स हो, SMC, ICT, प्राइस एक्शन, सब एविडेंस मांगते हैं या सबर मांगते हैं। अगर आप में सबर है, एविडेंस आपको देखना आता है तो फिर आप ट्रेड ले सकते हो। एरो आया, ये इस कैंडल ने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने कर दिया, ठीक है। अगेन मार्केट ऊपर रेट के लिए गई, दोबारा एरो आ गया लेकिन जिस कैंडल पे एरो आया तो उसने लो को भी ब्रेक कर दिया। आप सेल ले लो और मार्केट आपके सामने कितना गिर रही है। इस जगह पे एरो आया क्योंकि अच्छी खासी इसने यहाँ पे रिजेक्शन दी है और रिजेक्शन के बाद एरो इसके ऊपर आया, तो इसमें देखिए आप लो को
प्राइस ने ब्रेक कर दिया तो फिर आप सेल ले सकते हो और मार्केट सेल कितना गई है, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये जस्ट उनके लिए जो मुझसे Fixify के अकाउंट परचेज करेगा, और Fixify का जो भी अकाउंट परचेज करेगा उनको मैं ये MFX Calper जो कि Boom FX Calper के नाम से मैंने इनको बनवाया है उनको ये मैं फ्री गिफ्ट करूँगा, और ये आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकोगे, इसका कोई रेंट नहीं है। बस ये है कि जितना देर आप मेरी आईडी में रहोगे ये सॉफ्टवेयर आपके पास रहेगा। जैसे ही मुझे पता लगा कि आप किसी और ब्रोकर में शिफ्ट हो गए हो तो मैं इसकी एक्सेस ले लूँगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो अब देखो ये बाय आया, सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे RSI इंडिकेटर ऐड करूँ, अब लोगों को समझ नहीं आती, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, ये प्राइस एक्शन के ऊपर ही इंडिकेटर बना है। बस ये कि एक ये उन लोगों के लिए जिनको एविडेंस देखना नहीं आता। अब देखो अगर ये बाय आया, मार्केट थोड़ा सा बाय गई लेकिन ड्रॉप देखिए, वो लोग कहते हैं ये फेल है, ये फेल नहीं है। आप यहाँ पे देख लिया करो कि मार्केट लोअर ये मार रही है, लोअर लो मार रही है। मैं इसको कलर दे देता हूँ वाइट का, और एक मिनट लाइन नहीं आ रही, मेरे पास इंटरनेट का मसला है, ये शायद स्लो चल रही है या लाइन ये कलर ही नहीं मिला लाइन को, ये आ गया, ठीक है ना। और इसको मैं ये चीज ये लोअर लो, और इधर RSI पे आप देखो, अगर तो RSI आपको ये लोअर हायर लो दिखा रहा है तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस है, तो मार्केट एक मरतबा बाय दिखा रही है, तो थोड़ा डाइवर्जेंस पे आपने ग्रिप बनानी है तो फिर मार्केट उठेगी। आप देखें मार्केट किस तरह से उठ रही है, या जिस तरह जहाँ से बाय आया है तो फिर आप उसके हाई को कवर कर लो, जो भी हाई को ब्रेक करेगा नेक्स्ट कैंडल से आप बाय ले लो, सिंपल ये है। या जहाँ से सेल आया तो ये देखो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो चुका है या नहीं, तो फिर आप सेल ले लो, ठीक है। तो ये तरीकाकार है ट्रेड करने का, तो कोई मुश्किल फंडा नहीं है। जहाँ पे भी आपको समझना आए तो मैं आपको समझा सकता हूँ। अब गोल्ड की फोरकास्ट करेंगे, मैं इसको तमाम चार्ट को करता हूँ क्लियर, रिमूव ड्राइंग्स, इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ। अच्छा रीलोड पे थीम वही रह गई है, कोई मसला नहीं, मैं इसको अब हाइड करता हूँ। अब हम चलते हैं अपने गोल्ड के फोरकास्ट पे SMC के ऊपर, क्योंकि मैं खुद SMC ट्रेडर हूँ तो मैं वही चीज़ बताऊँगा जो कि मैं करता हूँ, ठीक है। ये इंडिकेटर हो गया या फिर ये सिस्टम हो गया, ये जस्ट आपकी हेल्प के लिए मैंने बनाए हैं, और ये उनको मिलेंगे जो कि मेरे साथ मिल के चलेंगे। मैं सर्विसेज अगर दे रहा हूँ तो जो मेरी सर्विस लेगा उसको ये सिस्टम फ्री में गिफ्ट करूंगा, जो कि लोग $300 में सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो SMC में देखते हैं हम ये चीज, इधर BMS होता है और अच्छा हम देखिए कि मेरे पास जो थीम है वो सारी पीछे वाइट बैकग्राउंड हो तो उनकी बनी हुई है। ये हमारे पास BMS है और हमारे पास जो लो कन्फर्म है वो हमारे पास ये है कन्फर्म लो, और इसको मैं वाइट कलर दे देता हूँ। एक मिनट क्या लग गया, ये मैंने लगाना था ये चीज, ये हमारे पास कन्फर्म लो है। कन्फर्म लो जब ब्रेक होगा तो हमारे पास कोच बन जाएगा, MSS बन जाएगा, ये आपके पास क्या हो गया MSS। इसको मैं कलर दे देता हूँ वाइट, और टेक्स्ट का कलर भी वाइट दे देता हूँ, ठीक है। ये MSS हमारे पास हो गया। अब हमने देख रहे हैं हमारे पास कहाँ पे एविडेंस आ रहा है, ये हमारे पास क्या है SMS, मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि भाई ये हमारे पास SMS है। अब जो SMC करते हैं उन लोगों को पता होगा कि MSS क्या होता है और SMS क्या होता है, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, मैंने ढूंढना है भैया, अब देखो दो चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे, एक आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, OB का नाम जो कि हम रखते हैं, और इसके टेक्स्ट को हम कर देते हैं बिल्कुल वाइट, ये OB हो गया। अब इसके बाद FBG भी आपके सामने ठहरा है, जो कि ये वाला पॉइंट है, ये आपके आपका FBG है जहाँ पे मार्केट ठहरी है, ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूँ FBG का, और ये बिल्कुल ठीक है FBG आ गया। अब जहाँ पे मार्केट ठहरी है ये आपका क्या है FBG पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट को या तो इसी एरिया से गिरना चाहिए, ठीक है ना। मैं इसको कलर वाइट दे देता हूँ, या फिर जो प्राइस है वो जाए ऑर्डर ब्लॉक तक और वहाँ से गिरे,
ठीक है, ये दो पॉइंट है, एक एफपीजी जहाँ से मार्केट ठहरी है इस जगह से गिरे, और सेकंड ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट वहाँ से गिरे, और ये कहाँ तक इसका जो टीपी होगा वो आपस यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी लेगी और फिर अपना नेक्स्ट मूव करेगी जो कि हाई का मूव होगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि भाई ठीक है ना, तो मार्केट इस एरिया से लिक्विडिटी ले सकती है। मैं इसको कलर ये दे देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, गोल्ड को एनालाइज कर सकते हो। H1 का टाइम फ्रेम है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल SMC है। और जो बंदा SMC की मेंटोरशिप लेना चाहता है उसके लिए भी मेंटोरशिप अवेलेबल है। कोर्स क्या है, मैं कोर्स का कंटेंट आपको दिखा देता हूँ। ये कंटेंट मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपको, कोई नहीं सिखाएगा, वो बस बेसिक आपको सिखा के छोड़ देते हैं। और ड्यूरेशन देखो, 6 मंथ की मैंने ड्यूरेशन बताई है। जो लोग अर्निंग वाले माइंड में के होते हैं कि भाई मैं लोगों को सिखा के मैंने पैसा कमाना है, वो आपको कोर्स 1 महीने में सिखाएगा। जो लगन से दिल से सिखाएगा, जो आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कुछ ना कुछ सोचेगा, उसकी ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा होगी, जो कि मेरी है। 6 महीने में एक बैच खत्म होगा। इतना तवज्जो कोई नहीं देता, और जिसकी फीस जस्ट $300 है, लोग $200, $500 ले रहे हैं, लेकिन वो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आप कंटेंट भी देख लो, ठीक है ना, और उसके बाद ड्यूरेशन भी देखो और फीस भी देखो। मेरे ख्याल से इतनी अच्छी ऑफर आपको कोई नहीं दे रहा होगा। और मैंने ये भी लिखा है कि भाई आप मुझसे क्लास लेने से पहले इन्वेस्टर पासवर्ड भी आप मेरा देख सकते हो, ठीक है। और ये मेरा नंबर है, आप देख रहे हो, +92 319 755 7298। ये मेरा नंबर है, आप व्हाट्सअप करेंगे अगर आप SMC क्लासेस लेना चाहते हैं तो। ये भी मेरा नंबर है, 304 +92 304 909 425। गूगल मीट पे क्लासेस होंगी, 1 घंटा की 1 क्लास होगी, वीक में हमारी 2 क्लास होंगी, बाकी 5 दिन रेगुलर हमारी असाइनमेंट जमा होंगी। जो असाइनमेंट करके नहीं दिखाएगा उसको मैं उसकी फीस रिटर्न करके साइड पे कर दूंगा कि भाई मेरा काम नहीं है आपको पढ़ाना। ईमानदार से जो बंदा पढ़ेगा मैं उसको पढ़ाऊंगा, दिल से पढ़ाऊंगा, और 6 महीने पढ़ाता रहूंगा जब तक वो बंदा प्रॉफिटेबल नहीं बनता, ठीक हो गया। और ये SMC की क्लासिक का आपके पास कोर्स कंटेंट था, और ये आपके पास मेरी प्रिडिक्शन होगी। मेरे नहीं ख्याल के भाई कोई प्रिडिक्शन अनोखी है, ठीक हो गया। बाकी चैनल लाजमी सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, दोस्त तक शेयर करो, फ्रेंड एंड फैमिली को लेके आओ। और इंशाल्लाह जल्दी मैं फ्री बैच भी शुरू करूंगा जिसमें बेसिक मैं फ्री सिखाऊंगा। बेसिक भी इतना सिखाऊंगा कि आप प्रॉफिट बनाना जानते होंगे। बेसिक में ही आपको पता लग जाएगा कि यार मुझे इस जगह पे एंट्री लेनी चाहिए, इस जगह पे नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। बाकी एडवांस में ये फिर SMC आ जाता है। तो उसके बाद देखें जो भी है प्रिडिक्शन यही है। और बाद में ये जो ब्लैक स्क्रीन है ये मैं इसको रिमूव करके थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा कर दूंगा, ताकि ये जो मैंने लाइनें वाइट की है ये मुझे करने की जरूरत ना पड़े बार बार। अभी के लिए मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात हम नेक्स्ट वर्कआउट पे करते हैं।